हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ ए जे। आज हम देखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ओके, इस टॉपिक के अंदर क्या होने वाला है, दैट इज अ टॉपिक नेम है आज का, हाउ टू ज्वाइन गूगल मीट विथ गिवन ईमेल आईडी। जैसे जो हमने ईमेल आईडी हमारे गूगल मीट के अंदर प्रोवाइड किया है, उसी से हमें ज्वाइंट होना है। ओके, अदरवाइज जो अनट्रस्टेड या अनवेरीफाइड ईमेल आईडी होंगे उससे हम ज्वाइन नहीं कर सकते, या उसके लिए हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। जो हमारा होस्ट यूज़र होगा उससे परमिशन मिलेगी, तभी हम स्पेसिफिक जो गूगल मीट होगी, जो मीटिंग होगी हमारी, उससे ज्वाइन कर सकते। तो सिंपली इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके कुछ स्टेप्स है, स्टेप्स हम वन बाय वन देखेंगे। सो फर्स्ट इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि जैसे कि फर्स्टली यूज क्यों होने वाला है, कि क्या रीज़न है इसको यूज करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीज़न कि नंबर्स ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर्स या गूगल मीट, कि जैसे कि हम एम्प्लॉय है, कि जैसे कि उसके अंदर हमें क्या करना है कि डेली बेसिस के ऊपर हमें सेम एम्प्लॉय के साथ सेम मीटिंग करनी पड़ेगी। डेली बेसिस के लिए वो जैसे कि अटेंडेंस करना होगा या एडमिट करना होगा, तो ऑटो एडमिट हम सॉफ्टवेयर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसको एडमिट करने के लिए, तो वन बाय वन उसको एडमिट करते हैं। बट ऑटो एडमिट के अंदर एक डिसएडवांटेज है, दैट इज जो यूज़र होगा कि जैसे कि जो लॉग इन कर रहा है उसको चेक नहीं कर रहा कि किस पे हमारे सेम ऑर्गेनाइजेशन के है या अनदर ऑर्गेनाइजेशन के। सिंपल इसके लिए एग्जांपल देते हैं, जैसे स्टूडेंट एंड टीचर्स, ओके, एक क्लासरूम है, तो उस क्लासरूम के अंदर हम ने बहुत सिनेरियो सुने होंगे आप लोगों ने, कि जैसे कि टीचर्स जब भी लेक्चर्स ऑन करते के एंड के अवॉइड करने के लिए, जैसे कि हेलो एडमिट ये जो ऑप्शन होगा उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल जो गूगल मीट के अंदर दिया गया ऑप्शन है या जो गूगल क्रोम का एक्सटेंशन होगा हमारे, ऑटो एडमिट उसको ऑन कर देते हैं। तो उसके बाद क्या हो जाता है कि नंबर्स ऑफ जो स्टूडेंट है वहाँ पे ऑटो एडमिट हो जाते हैं, कि वो वेरीफाइड नहीं करता कि जो स्टूडेंट है हमारे क्लास का है या आउट ऑफ द क्लास के, तो चेक नहीं करता, डायरेक्टली उसको एडमिट कर देता है। तो इससे क्या हो जाता है कि कोई भी दूसरे क्लास का भी स्टूडेंट वहाँ पे ऐड हो सकता है, जो भी चीज़ें के उसके अंदर बहुत सारे सिक्योरिटी फॉल्स बोल सकते हैं, कि कुछ भी नॉइस क्रिएट कर सकता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे गूगल लिंक या प्री डिफाइन आपके पास लिंक होगी पहले से आपने क्रिएट की, या न्यू लिंक आपको क्रिएट करनी है, तो उस सिनेरियो के अंदर उसको किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं विद एन जो भी हमारे नंबर्स ऑफ स्टूडेंट या नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय होंगे उनकी ईमेल आईडीज के साथ। इस सिंपल इसके लिए हमें क्या रिक्वायर है, ईमेल आईडी ओनली, कि नंबर्स ऑफ स्टूडेंट कौन से है उनका ईमेल आईडी, एंड गूगल लॉग इन करने के लिए गूगल आईडी पासवर्ड खुद का हर किसी के पास होगा, तो डजंट मैटर। सो लेट्स स्टार्ट करते कि तीनों विंडोज आपको विजिबल हो जाएंगे स्क्रीन के बाद। तो फर्स्ट दैट इज अ टीचर, स्टूडेंट एंड आउट ऑफ द क्लास स्टूडेंट्स, ओके, ये तीनों टाइप के हम यहाँ पे देखेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली स्टार्ट करते हैं। देन इस जो सेशन होगा हमें इसको परफॉर्म करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, दो ही एप्लीकेशन रिक्वायर्ड होने वाले, एक तो गूगल मीट जो हमें गूगल मीटिंग एग्जीक्यूट करने है उस सिनेरियो के लिए, एंड सेकेंड गूगल कैलेंडर। ओके, गूगल कैलेंडर क्यों, जैसे चेक करते गूगल कैलेंडर क्यों यूज़ करना है, तो सिंपली जो भी हमें टास्क परफॉर्म करना है गूगल कैलेंडर के अंदर, एंड उसके अकॉर्डिंगली गूगल मीट हम क्या करेंगे यहाँ पे ओपन करने वाले। तो सिंपली स्टार्ट करते, फर्स्ट हमारा गूगल कैलेंडर। ओके, इन गूगल कैलेंडर आपको क्या करना है, आप पीसी के ऊपर भी कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन के भी ऊपर कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम तीन डिफरेंट की डेली बेसिस के ऊपर हम मोबाइल फ़ोन के ऊपर ही ज्वाइन करते हैं, सो मोबाइल फ़ोन ही यहाँ पे ऑप्शन हम देखते हैं, तो सिंपली आप यहाँ से कर सकते हो। सो यहाँ पे लाइक नीचे आपको डाउन साइड में दिख रहा होगा ऑप्शन प्लस का, तो प्लस पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है इवेंट, स्पेसिफिक जो इवेंट हमें करना है। तो इवेंट इन द सेंस क्या होगा यहाँ पे, कि अब ऑर्गेनाइजेशन होगी, इंटरप्राइज होंगे, तो उसके रिगार्डिंगली जो भी नंबर्स ऑफ इवेंट आपको करना है। तो यहाँ पे हमें इवेंट क्या है, हमारे डेली बेसिस के ऊपर हम टीचर्स है, तो टीचर्स के लिए क्या होने वाला है, उसका सब्जेक्ट का नेम, इट्स लाइक मेरा
आईटी डिपार्टमेंट से, सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सब्जेक्ट, जो भी मेरा सब्जेक्ट होगा या जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे, आप यहाँ पे सब्जेक्ट का नेम असाइन कर सकते हैं। सो मेरा सब्जेक्ट एंड देन मेरा ऑफिशियल ईमेल आईडी यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा। सो देन नेक्स्ट कि आपको उसका ड्यूरेशन सेट करना है कि जस्ट लाइक जो सेमिस्टर का टाइम पीरियड होता है उसके अकॉर्डिंगली आप ड्यूरेशन सेट कर सकते हो। सो कितने डेज के लिए आपको रिपीट करना है, सो 8 सितंबर जस्ट लाइक जो ड्यूरेशन है, जस्ट लाइक कि 3 या 4 महीने का ड्यूरेशन होता है हमारे एक सेमिस्टर के लिए। तो 1 सितंबर से लेके लाइक 4 महीना इन द सेंस, 4 मंथ इन द सेंस 31 दिसंबर। ओके, एक एग्जांपल पर्पज के लेता हूँ, आप आपके अकॉर्डिंगली पूरे 6 महीने के लिए भी ले सकते हो या पूरे साल या नंबर्स ऑफ टाइम की उसके लिमिट नहीं है, जब तक कैलेंडर है तब तक आप डेट यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हो। देन कि ये जो इवेंट है आपको रिपीट करना है, करना होगा तो ऑल डेज, या यहाँ पे नीचे ऑप्शन है कि जैसे कि कितने डे, एवरी डे करना है, एवरी वीक करना है, एवरी मंथ और एवरी ईयर, कब कब रिपीट करना है उसके अकॉर्डिंगली आप रिपीट कर सकते हैं, या कस्टमाइज ऑप्शन देना है तो भी ऑप्शन आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, कस्टमाइज के अंदर क्या मिलेगा आपको, जैसे कौन कौन से डेज, कौन कौन से वीक, कौन कौन से टाइम के लिए करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप कस्टमाइजेशन यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे हम डू नॉट रिपीट का ऑप्शन देखते हैं, हमें रिपीट नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे चेक करने के लिए करना है। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है, ऐड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सो गूगल मीट यहाँ पे हमें ऐड करना है, तो उसके रिगार्डिंगली वीडियो कॉल्स एंड डायल्स एडेड। कि यहाँ पे डिटेल ऐड कर सकते हैं आप गूगल मीट की। देन कलर्स ये बाय डिफॉल्ट होगा कि आपको जो कलर देना है आपके इसके। देन लोकेशन, कौन से लोकेशन के ऊपर आप मीटिंग लोगे, ये भी बाय डिफॉल्ट ही एम्प्टी रखा तो भी चलेगा। देन इफ एक चीज़ मेनली कहाँ पे यूज़ हो सकती है, आप इफ कोई सेमिनार करे, वर्कशॉप करे, तो उसके रिगार्डिंगली लोकेशन, नोटिफिकेशन, अटैचमेंट, डिफॉल्ट विजिबिलिटी कि प्राइवेट रखना है पब्लिक रखना है उसके अकॉर्डिंगली रख सकते हो। देन ये कंप्लीट हो गया, देन यहाँ पे हम इसको सेव करेंगे, सेव। ओके, सेव करने के बाद जैसे कि आपको दिख रहा होगा हर डे उसको दिख रहे वैल्यू, सो ओपन करते स्पेसिफिक डेज को। सो यहाँ पे जो गूगल मीट आईडी है कि बाय डिफॉल्ट एक जनरेट हो गया है, इफ आपको चेंज करना है सिंपली आप वहाँ पे जाके उसको चेंज भी कर सकते हैं, या डायरेक्टली हम गूगल मीट ओपन करते हैं यहाँ पे। सो ये गूगल मीट चेंज करने के लिए जो पेंसिल सिंबल दिख रहा होगा आपको, उसके ऊपर क्लिक करना है हमें। ओके, सो गूगल मीट के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारा गूगल मीट यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे सिंपली ज्वाइन का ऑप्शन हमें आ गया, सो यहाँ से इसको ज्वाइन कर देते। सो सेम आईडी, ओके, सो ए हम ज्वाइन हो गए, बट यहाँ तक यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे स्टूडेंट को ऐड नहीं किया, तो हम वापिस जाते हैं, जो स्टूडेंट है उसको ऐड करते हैं। तो ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल इसको एडिट करेंगे, ओके अभी देखो कि जस्ट लाइक हमने ऐड एक ऑप्शन है इसमें से, बाकी नॉर्मल हम देखा ओपन होता है। देन यहाँ पे देखो जस्ट लाइक ऐड पीपल वाला ऑप्शन आपको मिल रहा होगा, तो ऐड पीपल के अंदर आप क्या करोगे, एक स्पेसिफिक नंबर्स ऑफ जितने भी आपके स्टूडेंट होंगे, नंबर्स ऑफ जो स्टूडेंट आपके होंगे वो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट की लिस्ट आप यहाँ पे ऐड करोगे इन ऐड पीपल। सो कि जैसे कि जो गूगल मीट का कैमरा ऑन हो गया, इसके लिए जो मेरा फोन या जो रिकॉर्डिंग है उसका कैमरा ऑफ हो गया, सो यहाँ पे ऐड करते ऐड, जैसे कोई भी एक ऐड कर सकते हो, कि मेरा दूसरा ईमेल एड्रेस यहाँ पे ऐड करोगे, सो 1 2 3 4 4 5 6 या और एक ईमेल आईडी के नंबर्स ऑफ आप जितने आपके स्टूडेंट हैं सभी के सभी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो।
सो सेकेंड जस्ट लाइक एक टाइम पास के लिए क्रिएट किया है, तो इतना सीरियस मत तो लेम. ओके सो दो हमने ऐड कर दिए एज अ स्टूडेंट, कि जो स्टूडेंट यहाँ पे ऐड कर दिए, डन कर दिए. देन इसको सेव करते हैं, सेंड करते हैं डिटेल. ओके सो सेंड करने के बाद जो भी आपका स्टूडेंट होगा वो यहाँ पे लॉग इन कर सकता है एंड उसके अकॉर्डिंगली गूगल मीट को ज्वाइन कर सकता है. सो यहाँ से हमने पहले ही इसको स्टार्ट कर दिया हमारे गूगल मीट को. सो देन नेक्स्ट इसको जो भी हमारा सेकेंड स्क्रीन है, आपको सेकेंड स्क्रीन यहाँ पे दिख जाएगा, विजिबल हो जाएगा. तो उसके लिए दो दूसरा डिवाइस हमारे पास है, दूसरे डिवाइस के ऊपर लॉग इन करते हैं. सो दूसरे डिवाइस का सेम जो इंटरफेस है, इंटरफेस आपको विजिबल हो जाएगा इस वीडियो विंडोज की साइड में. सो इसका भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं. तो सेम ए जस्ट लाइक आप देख सकते हो सेकेंड डिवाइस यहाँ पे हमने पावर ऑन कर दिया. इधर स्टूडेंट का ये डिवाइस है, स्टूडेंट के डिवाइस के अंदर हमें क्या करना है, गूगल मीट के गूगल मीट ओपन करने के बाद आप ईमेल एड्रेस चेक कर सकते हो ajmonster0110@gmail.com. सो ए हमने लॉग इन कर दिया. यहाँ पे जस्ट लाइक नोटिफिकेशन भी आ गया हमारे कि कब से कब तक है, 1 September to 31st December. तो स्टूडेंट को भी वो स्पेसिफिकली पता चल जाएगा कि ड्यूरेशन क्या है, स्पेसिफिक जो लिंक हमने क्रिएट किए उसका ड्यूरेशन क्या है. देन उसको ज्वाइन कर सकते हैं. तो ज्वाइन करने के पर्पज़ के लिए सिंपली इसको ज्वाइन, ये यहाँ पे देखो कि नॉर्मली आप कोई भी इसको ज्वाइन करते हो सो आपको ऑप्शन आता है आस्क टू ज्वाइन. ओके बट यहाँ पे आपको डायरेक्टली ऑप्शन आ रहा है दैट इज एन ज्वाइन, कि इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो. सो यहाँ पे हम ज्वाइन करते हैं. सो ज्वाइन करने के बाद जस्ट लाइक देख सकते हैं दोनों यहाँ पे ज्वाइंट हो गए. सो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट हो कर सकते हैं. थोड़ा इंटरनेट स्लो है थोड़ा सा, तो उसकी वजह से वो डिले हो सकता है. ये और इको ना हो इसके लिए म्यूट कर दिया दोनों साइड से. सो वो थोड़ा सा स्क्रीन डबल हो रहा है तो इसकी वजह से. ओके सो यहाँ पे हमने कर दिया एक स्क्रीन. देन नेक्स्ट ये नॉर्मल स्टूडेंट विदाउट परमिशन ज्वाइंट हो गया, कि आस्क टू ज्वाइन वाला ऑप्शन नहीं पूछा, डायरेक्टली ज्वाइंट हो गया. तो इसके लिए एक ही चीज़ आपको करनी है कि जस्ट लाइक विदाउट यूजिंग एटो एडमिट आपका स्टूडेंट यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा. ओके इसके लिए स्टूडेंट को स्पेसिफिकली डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि उसने एटो एडमिट किया है कि नहीं. तो विदाउट एटो एडमिट वो स्टूडेंट ज्वाइन हो जाएगा. देन सेकेंड यूजर देखते हैं, उसके लिए आपको सेकेंड विंडोज ओपन करनी है. तो सेकेंड विंडोज के लिए थर्ड डिवाइस हम यहाँ पे ऐड कर देंगे. थर्ड डिवाइस इन द सेंस नॉर्मल थर्ड डिवाइस गूगल मीट. ओके गूगल मीट पावर ऑन कर दिया थर्ड डिवाइस के ऊपर. सो यहाँ पे जस्ट लाइक इसके पास कोई भी यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है. ओके इन द सेंस लॉग इन है थर्ड यूजर, बट इसके पास जो लॉग इन क्रेडेंशियल हो गए, जैसे लाइक कि हमारे जो मीटिंग हमने ज्वाइन करना है उस मीटिंग की इंफॉर्मेशन नहीं होगी. ओके स्पेसिफिकली यहाँ पे देखते हैं कि जैसे लाइक कि उसको कहाँ से तो इंफॉर्मेशन मिल गई. ओके कहाँ से मिल गई इन द सेंस यहाँ पे हम उसकी इंफॉर्मेशन देख के इंसर्ट करते हैं. जैसे लाइक कोई स्टूडेंट होगा उसने इंफॉर्मेशन यहाँ पे पास कर दी, तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे शेयर इन्फो करते हैं. इफ कोई स्टूडेंट होगा उसने इंफॉर्मेशन पास कर दी, जस्ट लाइक एक सेकेंड. सो कोई स्टूडेंट होगा. ओके टीचर तो फॉरवर्ड नहीं करेगा ऑब्वियसली, जो होस्ट है वो कोई इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड नहीं करेगा. सो यहाँ पे फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन या जो कोड होगा उसको शेयर करना है हमें. तो कोड शेयर करने के लिए सिंपल इसको बैक लेते हैं. बैक लेने के बाद आपको जो कोड होगा वो विजिबल हो जाएगा.
के कोड के लिए सिंपली आपको क्या करना है, इसको शेयर करना है इस मीटिंग को। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो तो शेयर नहीं कर सकता, बट टीचर के यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो शेयर कर सकते हैं टीचर्स। तो शेयर किस तरह से करेंगे, सेटिंग एंड ओके कि जैसे कि इसके अंदर देखते कि जो स्टूडेंट होगा उस स्टूडेंट किस तरह से शेयर कर सकता है मीटिंग को। जैसे कि करते कि अपने दोस्त को या कोई एग्जाम वगैरह होगा उस सिनेरियो में देखते कि थर्ड कोई तो एक्स्ट्रा पर्सन ऐड हो जाता है इसके अंदर एंड उस मीटिंग को ज्वाइंट हो जाता है एंड जो भी आंसर से वो हेल्प कर सकता है या कोई भी ऐसे सिनेरियो हो सकते। तो शेयर इन्फॉर्मेशन करते इसकी, शेयर इन्फॉर्मेशन इन अ मैसेज के मैसेज के अंदर जैसे एक फॉर सिंपली हमें यहाँ पे क्या करना है, कि गूगल मीट का एड्रेस सिर्फ लेना है उसके रिगार्डिंगली हमने किया। सो वो सेंड कर सकता है देन कि जो कि सिंपल हम क्या करेंगे, हमारा जो यूज़र होगा ये थर्ड यूज़र बोलते जिसका, तो थर्ड यूज़र क्या करेगा, लॉग इन करेगा वाया गूगल मीट एड्रेस। तो जो हम NSW-UPHU-NUHY ये एक स्पेसिफिक एड्रेस एंड इससे ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। सो वेट करते हैं, तो सेटिंग अप ओके। यहाँ पे देखो जैसे कि आस्क टू ज्वाइन ओके, इसके लिए और एक सिनेरियो याद रख सकते हो, जैसे कोई यूज़र है ऑथेंटिकेशन यूज़र है बट कोई रीज़न की वजह से उसका डिवाइस ख़राब हो गया ओके। डिवाइस ख़राब होने की वजह से वो क्या कर सकता है, डिवाइस ख़राब हो गया इसी रीज़न की वजह से वो अपने फैमिली मेम्बर्स का कोई भी डिवाइस यूज़ कर सकता है फॉर एक्सेसिंग पर्पज ओके, फॉर लेक्चर पर्पज। सो ए उस सिनारियो के लिए हम देख सकते हैं कि जैसे कि कोई और यूज़र है तो यहाँ पे आस्क टू ज्वाइन के अंदर टीचर्स को पूछ सकता है एंड जो स्टूडेंट है यहाँ पे ज्वाइंट हो सकता है या अदरवाइज कोई थर्ड स्टूडेंट होगा जैसे जो हमारे इसमें नहीं है तो वो भी ज्वाइंट होना होगा। तो इस तरह से हमें अनवेरीफाइड करके मैसेज आ जाएगा। इफ़ ए अनवेरीफाइड हमने वेरीफाई कर दिया, ये एक लेक्चर के लिए वन टाइम ही प्रोसेस होगा कि हर लेक्चर के लिए उसको हर बार यहाँ पे एडमिट करना पड़ेगा। कि इफ़ बाय डिफ़ॉल्ट हमने इसको एडमिट कर दिया सो नेक्स्ट लेक्चर में ये क्या करने वाला है, फिर से जॉइंट होने वाला है। तो इसके अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, इस लेक्चर को कंटिन्यू कर सकता है। सो जो टीचर्स होंगे या जो होस्ट होगा उसको ध्यान में रखना कि ये जो अनऑथोराइज यूज़र्स है उसको डिनाई करना है। कि जब तक ये डिनाई होता रहेगा इन द सेंस डिसमिस मैसेज आ जाएगा हमको, फिर से जो क्वेरी होगी फायर कर सकते हैं या जो रिक्वेस्ट वो कर सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली ज्वाइन कर सकते हैं। ये हम जब तक उसको परमिशन नहीं देंगे तब तक वो ज्वाइन नहीं होगा एंड ये जो प्रोसेस है चालू रहता रहेगा ओके। सो इफ हमारा एक्चुअल या ऑथेंटिकेट यूजर होगा कोई रीज़न की वजह से उसका डिवाइस खराब है सो अपने टीचर को कम्युनिकेट करके, जो सब्जेक्ट टीचर है उसके साथ कम्युनिकेट कर सकता है एंड वन डे के लिए ओके, या स्पेसिफिक वन टाइम के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको परमिशन दे सकते हैं टू जॉइन अ मीटिंग ओके। ये वन टाइम है, जब तक ये मीटिंग चालू है तब तक ये एडमिशन प्रोसेस मिलेगा एंड अदरवाइज नेक्स्ट टाइम उसको नहीं मिलने वाला। सो चेक करते ए बी सिनेरियो इसके अंदर चेक करेंगे कि जस्ट लाइक इसके अंदर भी इसको एडमिट करके ऑप्शन देखते हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि जैसे कि हमने एडमिट कर दिया स्टूडेंट को। सो तीनों इसमें वो एडमिट हो गया, इन द सेंस फर्स्ट के अंदर वो होस्ट है, सेकंड के अंदर यूज़र एंड थर्ड के अंदर हमने उसको एज अ यूज़र है स्टूडेंट है बट थर्ड पार्टी वाला इन द सेंस अनऑथोराइज वाला यूज़र है। तो इस रिगार्डिंगली हम इसको चेक करेंगे
ओके सो इफ ये लिफ्ट हो जाता है कोई भी रीजन की वजह से एंड अगेन इसको ज्वाइन करेंगे हम रीजॉइन, तो नेक्स्ट टाइम उसको परमिशन नहीं पूछेगी, ओके नेक्स्ट टाइम वो क्या होगा डायरेक्टली ज्वाइन होगा क्योंकि हम वन टाइम ही इसको परमिशन दे सकते हैं। इस तरह से ये सारी चीज़ें यहाँ पे परफॉर्म होने वाली, ओके इफ आपको फिर भी कोई भी डाउट क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके स्टेप्स जो भी आपको रिक्वायर्ड होंगे तो स्टेप्स आपको डिस्क्रिप्शन में एक फाइल के अंदर नोटपैड के अंदर मिल जाएंगे या नॉर्मल भी मिल जाएंगे, सो आप वहाँ से उसको फॉलो कर सकते हैं एंड सेम जो प्रोसेस है वो परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।